लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता बैंक अध्यक्ष पुष्पल सिंह ने बताया, उनके 5 वर्ष के कार्यकाल में जो जून 2023 में पूर्ण हो रहा उसमें बैंक में अभूतपूर्व सर्वांगीण प्रगति एवं विकास हुआ। इस अवधि में जमा निपेक्षों में 141 करोड़, ऋण में 42 करोड़, बैंक की कार्यशील पूंजी में 100, बैंक का लाभ लगातार बढ़ा है। इसके साथ ही एनपीए में लगातार कमी के बाद वर्ष में शुद्ध एनपीए शून्य हो गया। 5 वर्ष की अवधि में अन्य जिला शाहजहांपुर, सीतापुर में 2 शाखाएं एवं लखीमपुर में 1 शाखा, 6 अन्य नए एटीएम लगाकर बैंक की उत्तरोत्तर प्रगति का कार्य किया। बैंक हमेशा ऑडिट में ए श्रेणी में रहा। बैंक को व्यवसाय की दृष्टि से प्रदेश में अर्बन बैंकों में प्रथम स्थान पर होने का गौरव प्राप्त हुआ। अग्रेतर बैंक सचिव शबल गुप्ता ने अवगत करा, बैंक प्रबंधक द्वारा बैंक की सदस्यों की मांग पर बैंक की पूंजी बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान सदस्यों को अधिकतम 1 लाख रुपए तक की अधिकांश अंश पूंजी बढ़ाने की इजाजत दी गई। बैंक अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने कहा, बैंक के सर्वांगीण प्रगति एवं विकास में सम्मानित बैंक संचालक, बैंक सदस्य, ग्राहक के साथ साथ बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करती हूं, उन्हें बधाई देती हूं। आयोजित वार्ता में बैंक संचालक संजय मिश्रा समेत तमाम संभावित लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीर से सुनील बरतारिया के साथ सलाबे रुचि पवन सक्सेना की रिपोर्ट। सफल हुए 5 साल की पीरियड में 3 नई ब्रांचेस खुली, सीतापुर, शाहजहांपुर और ये हमारी कुछ ब्रांच जो थी वो एक्सटेंशन से ब्रांच में कन्वर्ट हुई। एटीएम बैंक के जब बोर्ड ने कार्यकाल ग्रहण किया था 3 ब्रांचेस पे एटीएम थे, अभी वो 9 ब्रांचेस पे एटीएम हो गए हैं। ऑडिट में हमेशा ए श्रेणी, अच्छा वो रिफंड हमको मिला है जी, है ना। और इस बार जो है एक्चुअल हमने जो कैलकुलेट किया वो हमने उतना जितना हमारा बनता है उतना हम लिया, क्योंकि वो रिफंड में फिर हमने सिसरी वो तो हाँ कुछ 7 वर्ष से ऊपर वाले के लिए हाँ हाँ अभी हम लोग